पवन जी के साथ भी आपको देखा लाल घाघरा हाँ आए है सबको लाल घाघरा पहना दिया आपने बिल्कुल ये सॉन्ग तो एक आइकॉन बन चुका है हर जगह लाल घाघरा चल रहा है तो मतलब बहुत अच्छा फील होता है लाल घाघरा सॉन्ग आपको आया था ऑफर किया गया था करने के लिए तो आपने पवन सिंह का नाम सुन के ही सिलेक्ट कर दिया था या गाने सुन के तो पवन जी का मैंने काफी सुना था जैसे कि लॉलीपॉप सॉन्ग है तो ऑलरेडी वो तो एक आइकॉन सॉन्ग हो चुका है तो मुझे बोला कि पवन जी के साथ है जिनका लगा ले टू लिपस्टिक मैंने कहा यार तो ऑलरेडी फॉर बड़े सिंगर है तो मैंने कहा हाँ मुझे करना है मुझे करना है तो वो जब सॉन्ग आया तो एक घाघरा तो ना एक कहीं के पे ना वो दिमाग में बैठ जाती है तो जब भी कोई गाना आता है ना मैं सुनती हूँ अगर मेरे दिमाग में बैठ जाता है वहाँ पर जैसे मेरे आस जो होते हैं वो, वो भी गाने लग जाते हैं मैं समझ जाती हूँ हाँ ये गाना मतलब चलने वाला तो लाल घाघरा सुनते ही भोजपुरी गाना किया हिंदी किया यहाँ तक हमने सुना कि साउथ में भी आपने बहुत सारा काम किया है सबसे ज्यादा काम करके किस में मजा आया साउथ में तो बॉलीवुड में या भोजपुरी में सबसे ज्यादा भोजपुरी तभी मैं यहाँ बैठी हूँ रिलीज होता है दो घंटे में ट्रेंडिंग पे आ जाता है तो उससे पता चलता है कि वो ऑडियंस अपने एक्टर्स को अपने जितने भी एक्टर कितना सपोर्ट करते हैं वो चीज कहीं और नहीं मिलती तो मुझे इसलिए भोजपुरी ऑडियंस मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है दो लाइन आप लाल घाघरा भी गुनगुना दीजिए और तबला मत बोलिए मैं डांस आई मैं डांस कर सकती हूँ आप गाना गाइए मैं तो ठुमके मार दूंगी पर मैं गाना नहीं गा, गा सकती थोड़ा भी एक पंचलाइना कैले बात आप डांस करवा ली जैसे <laughs> भी आज मेरा सॉन्ग है तो हिजारी जी के साथ हाँ मेरा डिफरेंट लुक है तबला में अपने देखा मेरा डिफरेंट लुक है तो मैं हर जगह मेरे लिए लुक्स बहुत मैटर करते हैं मुझे लगता है लाइफ में वेरिएशन होना बहुत जरूरी है अगर हम सेम चीज करते रहेंगे चेंज करते रहेंगे तो लोग कब तक हमें देखेंगे तो लाइफ में चेंजेस और वेरिएशन बहुत जरूरी है सही बात है ऑडियंस एक चीज देख देख के दे बोर हो जाती है तो इसलिए हर बार गाने में कुछ नया डिफरेंट हाँ तो मुझे खुद ही अलग करना पसंद है तो जितनी भी मेरी ऑडियंस मुझे फॉलो करती तो डेफिनेटली वो मुझे डिफरेंट डिफरेंट रूप में ही देखना चाहती एकदम हिसारी जी का जितना भी मतलब वो शूट पे रहते हैं जो के साथ को पार्टनर होते हैं जैसे मैं होती वो तो वो होते है तो उनका जो एक मेन मोटिव होता है वो होता है गाने को हिट करना गाने का एक बेस्ट निकालना चाहे वो डांसर भी हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो तो वो बताते हैं कि नहीं बेटा इसको आप ऐसे करोगे तो अच्छा निकलेगा तो वो चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि कुछ लोग काफ़ी होते हैं जो सिर्फ अपना करते हैं और निकल जाते हैं अगर क्योंकि हमारा सॉन्ग है तो हम अपना जब तक बेस्ट नहीं देंगे आप भी अच्छा नहीं करोगे मैं भी अच्छा नहीं करूँगी तो वो गाने का आउटपुट नहीं निकल के आता तो खेसारी जी इस इन चीज़ों में बहुत ही अच्छे हैं वो बता देते हैं कि बेटा ऐसे करते हैं तो ऑटोमेटिकली गाना फिर अच्छा चला जाता है तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम गुड्डू राजा त्रिपुल सेवन है और आप लोग देख रहे हैं न्यूज दोस्तों हमारे साथ भोजपुरी की बहुत ही खूबसूरत और कह सकते हैं युवा दिलों की धड़कन हमारे साथ नम्रता मल्ला जी है कैसी है आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहुत बहुत नमस्ते और बहुत बहुत प्यार आप सभी को कितने गानों की आज शूट हो रही है क्या कुछ नया धमाका जो है लेकर के आने वाली हैं आप क्योंकि तबला में आपने जितने भी युवा है सबको झुमा दिया थैंक यू सो मच अभी तो फिलहाल मैं यहाँ जमशेदपुर आई हूँ uh, खेसारी जी के साथ एक सॉन्ग शूट करने एक और धमाल सॉन्ग आने वाला है सारे गामा हम भोजपुरी में बद्री जी के साथ और कल ही खेसारी जी का नया सॉन्ग लॉन्च हुआ है मुरब्बा, जिसमें खेसारी जी हैं दिव्या जी हैं जो गाना आती ट्रेंड कर रहा है और जैसे जैसे कि आप सभी को बताया खेसारी जी ऑलरेडी ट्रेंडिंग स्टार है तो ऑल द बेस्ट उनको जो नई गाने आ, शूट हो रही हैं वो हमारे ऑडियंस को कब तक देखने को मिलेगा जैसे कि आज शूट हो रहा है तो मुझे लगता है सारे मम हम फ्री शायद दस दिन तक रिलीज कर देंगे तो टेन डेज तक वो सॉन्ग आ जाएगा तो आप देखेंगे मेरे और खेसारी जी के साथ एक और हम लोगों के की एक नया केमिस्ट्री इससे पहले हमने पवन जी के साथ भी आपको देखा लाल घाघरा हाय है, है सबको लाल घाघरा पहना दिया आपने बिल्कुल ये सॉन्ग तो एक आइकॉन बन चुका है मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं वीडियोस आते हैं जहाँ पे शादी हो पार्टी हो बर्थडे हो हर जगह लाल घाघरा चल रहा है तो मतलब बहुत अच्छा फील होता है कि, कि मैंने एक लाइफ में एक ऐसा गाना तो किया है कि हर जगह वो बज रहा है और लोग मुझे इतना प्यार भेज रहे हैं उसके लिए उसका लुक भी आपका काफ़ी मतलब बहुत सारे ऑडियंस ने ऐसा कमेंट किया कि क्या वाह क्या लुक लग रहा है आपका मतलब लुक एकदम लाजवाब है बिल्कुल आ, मैं जितने भी गाने करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी जितने भी ऑडियंस हैं मैं हर सॉन्ग में एक अपनी प्रेजेंटेशन अपना लुक डिफरेंट दूँ तब ताकि मैं तब ताकि लोगों को वेरिएशन मिले मुझे लगता है लाइफ में वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है अगर हम सेम चीज़ करते रहेंगे चेंज करते रहेंगे तो लोग कब तक हमें देखेंगे तो लाइफ में चेंजेस और वेरिएशन बहुत जरूरी है है सही बात ऑडियंस एक चीज देख देख के बोर हो जाती तो हाँ तो मुझे खुद ही अलग करना पसंद है तो जितनी भी मेरी ऑडियंस मुझे फॉलो करती तो डेफिनेटली वो मुझे डिफरेंट डिफरेंट रूप में ही देखना चाहती तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं जैसे भी आज मेरा सॉन्ग है तो हिजारी जी के साथ वहाँ मेरा डिफरेंट लुक है तबला में आपने देखा मेरा डिफरेंट लुक है तो मैं हर जगह मेरे लिए लुक्स बहुत मैटर करते हैं और सॉन्ग भी आप काफ़ी सिलेक्टेड सॉन्ग करती हैं जो मतलब सॉन्ग आता है तो ऑडियंस को जो पसंद आए बिल्कुल मैं वही मुझे सॉन्ग का पंच लाइन उसकी क्या क्रोग्राफी uh, है क्या थीम है सॉन्ग्स तो मुझे काफ़ी आते हैं तो मैं uh, बहुत सिलेक्टेड गाने करती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ ये गाना मेरे लिए सूट करता है कि लोगों को भी पसंद आएगा और मैं उसमें अपना बेस्ट जहाँ पे मेरी क्रिएटिविटी दिखे जहाँ लोगों को मेरा टैलेंट दिखे तो मैं वो सॉन्ग ही प्रेफर करती हूँ करना अच्छा जब लाल घाघरा सॉन्ग आपको आया था ऑफर किया गया था करने के लिए तो आपने पवन सिंह का नाम सुन के ही सिलेक्ट कर दिया था या गाने सुन के जैसे कि सबसे पहले मेरा जो गाना आया दो घुट आया सारेगा मंभोजूर में बद्री जी ने मुझे चांस दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सारेगा बद्री जी को और संजय जी को शतोष जी को तो जब मुझे दो घुट मिला खेसारी जी के साथ तो वो दो घंटे में ही शूट हुआ वो सॉन्ग क्योंकि ऑलरेडी कुछ टाइम का रिस्ट्रिक्शन था और मेरा मुझे कहीं जाना तो दो घंटे में वो छूटो तो बद्री जी बहुत इंप्रेस हो गए कि दो घंटे में तो इतना अच्छा सॉन्ग निकल के आया तो उसके बाद उन्होंने बोला कि लाल घाघरा करना है पवन जी के साथ तो पवन जी का मैंने काफी सुना था जैसे कि लॉलीपॉप सॉन्ग है तो ऑलरेडी वो तो एक आइकॉन सॉन्ग हो चुका है तो मुझे बोला कि पवन जी के साथ जिनका लगा ले टू लिपस्टिक मैंने कहा यार तो ऑलरेडी बहुत बड़े सिंगर है तो मैंने कहा हाँ मुझे करना है मुझे करना है तो वो जब सॉन्ग आया तो एक पंचला तो ना एक कहीं के पे ना वो दिमाग में बैठ जाती है तो जब भी कोई गाना आता है ना मैं सुनती हूँ अगर मेरे दिमाग में बैठ जाता है वहाँ पर जैसे मेरे आस जो होते हैं वो वो भी गाने लग जाते हैं मैं समझ जाती हूँ हाँ ये गाना मतलब चलने वाला तो लाल घाघरा सुनते ही और वो कोरियोग्राफ भी मेरे जो सर हैं सूरज सर उन्होंने पूरा डिज़ाइन कोरियोग्राफ पूरा से किया तो वो बहुत अच्छा सॉन्ग निकल के आया तबला जब आया तो खेसारी लाल जी के नाम पे ही सॉन्ग पास हो गया या गाना सुन करके पास हो तबला तो ऑब्वियसली खेसारी जी तो ट्रेंडिंग स्टार है तो उनके साथ तो काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी है एक बहुत ही पॉजिटिविटी है तो उनके साथ तो मुझे सॉन्ग करने में बहुत मज़ा आता है सब सब लोग कहते हैं कि खेसारी जी कभी कभी क्या होते हैं ना वो ये नहीं देखते हैं कि अगर कोरस हैं चाहे कोई भी हो कोई भी अगर गलत करता है तो उनको तुरंत बताने लगते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो एकदम बेस्ट आए नहीं बिल्कुल एकदम खेसारी जी का जितना भी मतलब वो शूट पर रहते हैं जो भी उनके साथ को पार्टनर होते हैं जैसे मैं होती हूँ तो वो होते हैं तो उनका जो तो एक मेन मोटिव होता है वो होता है गाने को हिट करना गाने का एक बेस्ट निकालना चाहे वो डांसर भी हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो तो वो बताते हैं कि नहीं बेटा इसको आप ऐसे करोगे तो अच्छा निकलेगा तो वो चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि कुछ लोग काफ़ी होते हैं जो सिर्फ अपना करते हैं और निकल जाते हैं अगर क्योंकि हमारा सॉन्ग है तो हम अपना जब तक बेस्ट नहीं देंगे आप भी अच्छा नहीं करोगे मैं भी अच्छा नहीं करूँगी तो वो गाने का आउटपुट नहीं निकल के आता तो खेसारी जी इस इन चीज़ों में बहुत ही अच्छे हैं वो बता देते हैं कि बेटा ऐसे करते हैं तो ऑटोमेटिकली गाना फिर अच्छा चला जाता है अच्छा गाने में तो हमने आपको देखा मूवी में हमारे ऑडियंस जो है भोजपुरी फिल्मों में बहुत सारा बहुत ज़्यादा डिमांड है कि नम्रता मल्ला जी को बड़े पर्दे पे हम देखें फिल्म में एकदम एक्शन वगैरह करते हुए थैंक यू सो मच जैसे कि मूवीज़ uh, के ऑफर मुझे काफ़ी आए हैं भोजपुरी से भी आए हैं साउथ से भी आए हैं तो मुझे लगता है कि जैसे uh, एक ना फोकस होता है एक इंटरेस्ट होता है तो मेरा जो इंटरेस्ट है मेरा डांस में ही है और uh, मुझे लगता है अगर मैं फिल्मों में जाऊँगी तो मेरा जो एक जो मेरा करियर पॉइंट है ना वो डाइवर्ट हो जाएगा तो मैं लगता है ना मैं डांस में फोकस कर पाऊंगी ना अपने में एक्टिंग तो बेटर है जहाँ पे आपको भगवान चांस दे रहा है डांस में गानों में तो मैं वो ही अपना बेस्ट करना चाहती हूँ अगर अच्छा, भोजपुरी में आपको कोई मारधार एक्शन वाला फिल्म जैसे कि भोजपुरी की बहुत सारी रानी चटी बहुत सारी एक्टर है जो मतलब ऐसा फिल्म करती है ना जिसमें वो गुंडे को खुद ही मारती है आपको अगर ऐसा मूवी ऑफर हो तो आप करेंगे अपने गानों से लटके झटकों से ही मार दूंगी मतलब फिल्म में मारधार नहीं करना अभी तक तो मेरा कोई प्लान नहीं है मूवीज करना हाँ, मूवीज में सॉन्ग मिलेगा डेफिनेटली आई डू अच्छा, आपने भोजपुरी भोज, भोजपुरी गाना किया हिंदी किया यहाँ तक हमने सुना कि साउथ में भी आपने बहुत सारा काम किया है सबसे ज्यादा काम करके किस में मजा आया साउथ में तो बॉलीवुड में या भोजपुरी में सबसे ज्यादा भोजपुरी तभी मैं यहाँ बैठी हूँ क्योंकि जो भोजपुरी जो ऑडियंस है एक तो बहुत ही प्यारी है और मतलब गाने को जैसे अभी गाना रिलीज होता है दो घंटे में ट्रेंडिंग पे आ जाता है तो उनका जो एक जो टीम वर्क है ना एक जो मतलब एकता है तो उससे पता चलता है कि वो ऑडियंस वो अपने एक्टर्स को अपने जितने भी एक्टर कितना सपोर्ट करते हैं वो चीज़ कहीं और नहीं मिलती तो मुझे इसलिए भोजपुरी ऑडियंस मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है अंततः चाहेंगे कि दो लाइन आप ए, लाल घाघरा भी गुनगुना दीजिए और तबला ये, भी मत बोलिए मैं डांस आई मैं डांस कर सकती हूँ आप गाना गाइए मैं एक दो ठुमके मार दूंगी पर मैं गाना नहीं गा सकती थोड़ा भी एक पंच लाइन बागा माला माला आप डांस करवा ली गाना नहीं। गाना नहीं, नहीं। चलिए आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपका बहुत बेजू शड्यूल है नहीं बिल्कुल बहुत बहुत थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके चलिए दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू